पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के चौथे दिन पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने कड़े मुकाबले में उत्तर रेलवे को 28-27 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। मैच में पूर्वोत्तर रेलवे के हैप्पी, अर्पित, नवीन, प्रवीण एवं नंदू तथा उत्तर रेलवे के अंकित, दिनेश, मानदीप ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया, जिसमें हैप्पी ने सर्वाधिक 7 गोल किए। इसके पूर्व महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से युक्त मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने लीग आधार पर खेली गई प्रतियोगिता को अंकों के आधार पर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया। आज खेले गए पुरुष वर्ग के एक अन्य मैच में बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ने रेलवे सुरक्षा बल को 23-13 के अंकों से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अध्यक्ष नरसा योगेश मोहन ने महिला एवं पुरुष वर्ग की विजेता, उपविजेता एवं तीसरे स्थान पर आने वाली टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष नरसा योगेश मोहन ने कहा कि इस प्रतियोगिता के महिला एवं पुरुष वर्ग की विजेता पूर्वोत्तर रेलवे, उपविजेता उत्तर रेलवे एवं तीसरे स्थान पर रही बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स की टीम को बधाई दिया और कहा कि इन टीमों ने उच्च स्तरीय खेल का प्रदर्शन किया और अच्छी खेल भावना का परिचय दिया। महिला वर्ग में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उत्तर रेलवे को हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। अच्छे खेल के लिए दोनों टीमों को बधाई। महिला वर्ग की हुई विभिन्न टीमों के बीच लीग आधार पर खेले गए मैचों में अर्जित अंकों के आधार पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम, उत्तर रेलवे द्वितीय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तृतीय तथा दक्षिण मध्य रेलवे चौथे स्थान पर रही। सभी का स्वागत करते हुए महासचिव नरसा पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूरी प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने आपसी सौहार्द प्रतिस्पर्धा के साथ खेल में भाग लिया एवं अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, जिससे यहाँ के उदयीमान खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने फिटनेस के लिए कोई ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। इस अवसर पर हैंडबॉल सचिव केसी सिंह, कोषाध्यक्ष नरसा जयप्रकाश, अमित श्रीवास्तव एवं अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी, हैंडबॉल प्रेमी उपस्थित रहे। महिला एवं पुरुष वर्ग के हैंडबॉल कोच अरविंद कुमार यादव, महिला टीम के कप्तान ज्योति शुक्ला एवं पुरुष टीम के कप्तान सोमवीर ने पूर्वोत्तर रेलवे का नेतृत्व किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला वर्ग की विजेता टीम की पूर्वोत्तर रेलवे की कप्तान ज्योति शुक्ला तथा पुरुष वर्ग की विजेता टीम के पूर्वोत्तर रेलवे के कप्तान नंदकिशोर भारतवासी और पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने कहा। Gracias.
का श्री रोयस मोहन जी, सचिव हेड बॉय श्री केसी सर, सेंटर जयप्रकाश सेक्रेटरी क्रॉस कर जी अमित, सभी टीमों के खिलाड़ी कोच ऑफिशियल, मीडिया से आए हमारे मित्रगण, आप सभी का इस समापन का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और आभार। जैसा कि आज फाइनल मैच नॉर्थ रेलवे और एनयूआर के बीच में था, बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच हम लोगों ने आज देखा। कांटे के इस मुकाबले में पूर्वोत्तर रेलवे की टीम विजयी रही, पूर्वोत्तर रेलवे की टीम को बहुत बहुत बधाई, नॉर्थन रेलवे टीम जो कि रनर अप रही उनको भी बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ महिला टीम में पूर्वोत्तर रेलवे की टीम लगातार कई वर्षों से जो उनका रिकॉर्ड बने रहने का उसको अभी भी कायम रखा है, उसके लिए उनको भी बहुत बधाई शुभकामनाएं। इस दौरान मुझे लगता है कि शायद जो आप लोग आए बाहर के खिलाड़ी आए उनका स्टे यहाँ पे अच्छा रहा होगा। हम लोगों ने कोशिश करी नेता परिवार में कि किसी को कोई समस्या ना हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ का जो पीरियड है वो अच्छे से एंजॉय किए होंगे। जिनकी टेन शाम को है उनके पास अभी भी घूमने का समय है, वो लोग आए गोरखपुर के आस पास कई चीज़ें हो गई हैं वहाँ पर घूमे, गोरखपुर के आस पास के एरिया को देखें। और स्पोर्ट्स ऑफिसर से मैं अपील करूंगा कि ऐसे सभी लोग जो गोरखपुर के आसपास घूमना चाहते हैं उनके लिए व्हीकल का अरेंजमेंट कराएं, और जब तक सभी टीमों का डिपार्चर नहीं हो जाता जो आयोजन करता समिति है वो पूरी तरह से जो बाहर के आए हुए हमारे मेहमान खिलाड़ी हैं ऑफिसियल सर उनका ध्यान रखें। की तरफ से आप लोगों का एक छोटा सा सम्मान किया जाएगा, मैं आग्रह करूँगा कि सब ऑफिसियल जो हमारे क्रिकेट क्रिकेट ली जाए की वेंकट राम पटना शर्मा मुस्कुराइए भैया, थोड़ा लगे आप लोग विनर हैं। रेडी इधर आ जाइए, जोश दिखाना चाहिए ना। Let's go.
ज्योति शुक्ला, पूर्वोत्तर रेलवे की कप्तान। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी टीम विनर हुई है और हमारी टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था। हम लास्ट 4 साल से हम लोग विनर हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ने हम लोग का प्रदर्शन दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी युवाओं के लिए? जी सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देंगे कि हैंडबॉल एक बहुत अच्छी गेम है, इसे खेलें, ये बहुत ही रोमांचक है। और बाकी खिलाड़ियों के लिए ये कहेंगे कि आगे वो और अच्छा करें और हम लोग को अच्छा कंपटीशन मिले। बस नंद किशोर भारद्वाज, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही मेहनत हुई। एक मिनट, नेशनल खेल के माध्यम। हाँ जी, खेल के माध्यम से और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना दें, ऐसे खेलते रहो, खेल के भावना से खेलते रहो, आगे बढ़ते रहो। 14वीं अखिल भारतीय महिला एवं पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कुल 9 टीमें और महिला वर्ग में 4 टीमों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में पूर्वोत्तर रेलवे विजेता रही तथा महिला वर्ग में भी पूर्वोत्तर रेलवे को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। यह टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे से आयोजित किया गया, बहुत ही अच्छे अच्छे मैचेस यहाँ पे खेले गए, फाइनल मैच भी बहुत ही रोमांचक रहा। और इस प्रकार के आयोजन लगातार पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ कराता है, जिससे कि जो लोगों के अंदर फिटनेस के प्रति, खेल के प्रति जागरूकता बढ़ सके। और सभी जो विनर्स हैं उनको मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूं और जो जो लोग नहीं जीत पाए उनको फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। क्या संदेश चाहेंगे सर लोगों के लिए? मेरा संदेश है कि अपने फिटनेस के लिए कम से कम 1 घंटा डेली दें, आप दौड़ें या फिर कोई ना कोई गेम अवश्य खेलें, इससे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मानसिक फिटनेस भी बनी रहती है। और यह नित्य जो भी आप कार्य करते हैं, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं या रेलवे में हैं, तो आपके कार्य में सहयोग करता है। तो सभी से अपील है कि अपने जीवन में स्पोर्ट्स को शामिल करें।